बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे, वक्त तुम्हारा खराब आया है और दिन हम गिने। क्या हो सकती है फिल्म की कहानी? क्या सलमान करेंगे दबंग और सिंघम यूनिवर्स का संगम? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब, और कहां दोस्तों बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, जिस मूवी ने बॉलीवुड में पुलिस वालों का रुतबा बढ़ा दिया, जिसने बॉलीवुड को एक्शन की नई परिभाषा सिखाई, अरे भाई जिस फिल्म में आइटम नंबर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया गया, जी हाँ हम बात कर रहे हैं सलमान खान स्टारर दबंग सीरीज की ही। 2010 में दबंग का पहला पार्ट रिलीज हुआ था और तब से ही ये सिलसिला चलता रहा है। इस फिल्म का एक अलग ही फैन बेस है, इसके गानों का, कलाकारों की एक्टिंग का और फिल्म की कहानी को बेहद पसंद करता है। वहीं आप ऑडियंस के इसी प्यार से मजबूर होकर मेकर्स ने इसका अगला पार्ट रिलीज करने का प्लान भी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जल्दी आपको बड़े पर्दे पर दबंग की चौथी इंस्टॉलमेंट देखने को मिलने वाली है। अब जब से अरबाज खान के टॉक शो में सलमान खान ने दबंग 4 की अनाउंसमेंट की है, तब से ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं साथ ही उन्होंने फिल्म से जुड़ी चीजें बताते हुए कहा कि इस बार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देने वाली है। साथ ही इसे एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं जिनकी फिल्म हमेशा नेशनल अवार्ड जीती है और जिसका फिल्में बनाने का अंदाज बॉलीवुड में सबसे डिफरेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया की, जिन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक हर मुद्दे पर फिल्में बनाई हैं। इनकी बनाई हुई फिल्में दर्शकों के दिलों के साथ साथ नेशनल अवार्ड्स भी जीत जाती है दोस्तों, और इस बार वो सलमान खान के साथ मिलकर अपना यही जादू दबंग 4 पर भी चलाने वाले हैं। दरअसल सुनने में आ रहा है कि इस बार फिल्म की कहानी समाज में गरीबों पर हो रहे अत्याचारों पर ही होने वाली है, जिसमें हमारे चुलबुल पांडे और भी ज्यादा एक्शन के साथ बुराई के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। हम सब ये जानते हैं कि हमारे चुलबुल पांडे कभी भी अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ते हैं, और जब उन्हें बॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर से कोई कमिटमेंट करी हो तो वो उसे तोड़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। कंफ्यूज ना होइए फ्रेंड्स, हम आपको पूरी बात बताते हैं ना। दरअसल सलमान खान ने बॉलीवुड के हिटमैन यानी कि रोहित शेट्टी से वादा किया था कि एक दिन वो दबंग और सिंघम के यूनिवर्स को मर्ज करेंगे, और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद इस बार दबंग 4 में हमें सलमान और सिंघम का संगम देखने को मिले। हाल ही में अभी इसे लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, तो ऐसा होगा या नहीं इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि दबंग 4 के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। क्यों? अरे भाई, हम देते हैं ना आपको कुछ खास अपॉर्चुनिटीज और कुछ खास लेटेस्ट अपडेट्स। अपॉर्चुनिटी, अरे अपॉर्चुनिटी का पता लगाना है तो जल्दी फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और फिर फायदा उठाइए दोस्तों। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।